जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आप आपको बताने वाला हूँ कि सर अपने लॉ के पेपर में जो अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। स्पीड से मैं थोड़ी सी फास्ट रखूंगा क्योंकि आपका सर एग्जाम है और आपका टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका अकाउंट्स पर कैसा हुआ। यस हम बात करने वाले आपका अकाउंट्स पर कैसा हुआ। तो सर अकाउंट्स पर कैसा हुआ, कोई भी अगर आपसे पूछता है तो सर उसका पेपर पकड़िएगा और उससे बता दीजिएगा ऐसा हुआ, राइट। तो सर आप लोगों ने एक काम जरूर करना है, अपने अकाउंट्स पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए और बोलिए काली माता बलि स्वीकार करो, राइट। तो बिल्कुल सर अकाउंट्स पेपर में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, चाहे आग लग गई हो सर पेपर में, चाहे आपका एक भी क्वेश्चन सही ना हो, सर मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और आपको भी उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और याद रखिएगा, अगर सर आप लोग गोले बनाना भूल गए सर अपने आंसर शीट में कि कौन सा आंसर किया कौन सा आंसर नहीं किया है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अब जो हो गया सो हो गया, आपको सर उसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं देने वाला। अब आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, लॉ के ऊपर। तो पहले 47 सेकंड में सर मेरे को आपको ये बताना था कि भैया देखो अकाउंट छोड़ दो, लॉ पे फोकस करो, आपका जो सेकंड पेपर आ रहा है सर उसके ऊपर अच्छे से जान लगा दो, छा जाओ। और सर अब लॉ को कैसे पढ़ना है मैं उसके बारे में आपको कुछ खास बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, साथ में आपको बताऊंगा कि सर आपने जो अपने एग्जाम लिखना है लॉ का तो आपने सर किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है। ये सर मैंने एक छोटी सी शीट बनाई है। सबसे पहले काम सर हमारा हो चुका है, वो क्या है, काली माता बलि स्वीकार करो। किसी को ना बताएं सर पेपर के बारे में, कोई आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। एक बात मैं आपको बता दूंगी सर, अगर आप अकाउंट्स पेपर के चक्कर में लॉ का पेपर देने नहीं जाएंगे तो हो सकता है सर आप अकाउंट से पास हो जाएंगे और लॉ में फेल हो जाएंगे, इसलिए सर लॉ का पेपर जरूर देने जाएंगे। सबसे पहले अपने आपको मोटिवेट करें कि सर मैंने पेपर तो जरूर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने ऐसे अक्सर बहुत बार देखा है कि सर जी जो बच्चे ऐसा करते हैं उनके अकाउंट्स में जाते हैं एग्जेम्पशन ऑफिसर आके पछताते हैं कि लॉग पेपर देने क्यों नहीं गया था, राइट। आइए सर बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, स्टडी कैसे करनी है सर अपने लॉ की, ताकि सर आप लोगों का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए जल्दी से। तो सबसे पहले सर इस समय आप लोग क्या करेंगे, रीड रिपीट विजुलाइज, कम ऑन मेरे साथ वन मोर टाइम, रीड रिपीट विजुलाइज, कम ऑन रीड रिपीट विजुलाइज। तो सर बात ऐसी है कि सर आपने जो भी अभी तक आपने याद कराया, जो भी अभी तक आपने सर पढ़ा उसको एक बार रीड करेंगे, रिपीट करेंगे, आंख बंद करके विजुलाइज करेंगे। अगर साथ में सर आपकी मम्मी बैठी है, आपके साथ कोई आपका ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आप सुना सकते हैं तो जल्दी जल्दी इसको सुना दीजिएगा, लेकिन टाइम पास बिल्कुल मत कीजिएगा उस व्यक्ति साथ बैठ के। कोई भी नई चीज सर इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, रीड रिपीट विजुलाइज करने के साथ साथ सर आरटीपी एमटीपी लेके बैठे और देखते चले सर आरटीपी एमटीपी के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड नीडलेस टू से सर यू नीड टू स्टार्ट विद द हाई वैल्यू चैप्टर, सर जिनकी वैल्यू जो है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है आप उन चैप्टर के साथ शुरुआत कीजिएगा और सबसे पहले उन्हीं चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जब हम एंड में पहुंचेंगे अगले पेपर से पहले तो सर हमारे पास फिर से एक बार मौका होगा कि उन हाई वैल्यू चैप्टर्स को जो है दोबारा से रिवाइज कर पाएंगे। हाई वैल्यू चैप्टर से मेरा सिंपल सा मतलब यह कि जिनसे एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा पेपर आता है वो होते हैं सर हाई वैल्यू चैप्टर्स। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा दुनिया के पास अमीन है, तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर, ड्यूरिंग द एग्जाम आपने क्या करना है। देखो भाई, पहले तो सर ये जो आपको डेढ़ दिन का जो समय मिलता है इसमें सर फुल यूटिलाइजेशन कीजिएगा। अभी अगर आपको लगता है भाई सोना है तो सो जाओ, अभी आपको लगता है पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन टाइम पास मत करना, बेड पे आंखें खोल के लेटे मत रहना, या तो सो जाना या तो पढ़ लेना, राइट। अगर सर नींद नहीं आ रही तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अपने आप नींद आ जाएगी, थक जाओगे, लेकिन पढ़ने से सोने से पहले सर आपके काफी सारे चैप्टर जो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके सर स्पीड मेंटेन रखेंगे अगर आप सर इन डेढ़ से दो दिन के अंदर, तो डेफिनेटली सर आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपना सिलेबस जो है एक से दो बार रिवाइज कर लोगे, मोर देन सफिशियंट होगा। लिखने की कोशिश मत करना, पढ़ना, रीड रिपीट विजुलाइज, कम ऑन वन मोर टाइम, रीड रिपीट विजुलाइज, ओके। देन उसके बाद बात करें सर एग्जाम के अंदर भाइयों आप लोगों ने क्या करना है, सेक्शन नंबर कोट तभी करें जब सर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। अगर सर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं तो सेक्शन नंबर बिल्कुल कोट मत करिएगा, हो सकता है सर ये तलवार जो है उड़ती उड़ती आपके अंदर ही लग जाए अगर सर आपने सेक्शन नंबर गलत कोट कर दिया, राइट। तो अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है सेक्शन नंबर कोट कीजिए, अगर 100% कॉन्फिडेंट नहीं है सेक्शन नंबर प्लीज मत कोट कीजिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इतना लिख के आप आ सकते हैं। देन कंटेंट लेंथ की बात करता हूँ भाई, कंटेंट लेंथ का और आपके मार्क्स का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, आप टू द पॉइंट आंसर लिखे, जो पूछा है उसका आंसर लिखे, फालतू की बातें ना लिखे। सर ये कोई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर नहीं हो रहा कि आपने लिखना शुरू कर दिया, तुझे देखा तो जाना सर प्यार होता है दीवाना सर, नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, आपको सर बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो रहने का है। देन बात करते सर केस लॉज की, केस लॉज भी सर तभी कोट करें जब आप 100% श्योर हैं, उल्टी सीधी स्पेलिंग ना लिख के हैं, प्लीज उल्टी सीधी स्पेलिंग ना लिखे हैं सर, उससे आपका गलत इंप्रेशन जाता है और सर एग्जामिनर को मौका मिल जाता है कि आपके मार्क्स काट दें, राइट। उसके बाद बात करते सर कंटेंट की, आप कोई भी आंसर लिखेंगे सर लॉ में, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन है तो भी ऐसे चलेंगे, अगर सर केस बेस्ड क्वेश्चन है तो भी ऐसे चलेंगे, हमेशा पहले सर इंट्रोडक्शन दे, इंट्रोडक्शन में सर आप लोग लॉ लिख सकते हैं, सेक्शन नंबर याद है तो लिख सकते हैं, रूल नंबर याद है तो लिख सकते हैं, कोई भी सर अगर आप कोई लॉ कोट करना चाहते हैं यहाँ पे कोट कीजिए। देन उसके बाद सर अगर केस लॉ है तो आपको उसके फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर केस लॉ में सर नाम आ रहा है सविता का तो भाई आपको सविता का नाम जो है फैक्ट्स में लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे इन द गिवन केस सविता हैज डन दिस एंड दिस एंड दिस। देन उसके बाद लॉ और केस को सर आप लोग मिलाएंगे, इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन दिस 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 दिस, और फिर इसी लॉ प्लस केस में जो आपने बात करी है उसका शॉर्ट वर्जन सर कंक्लूजन बना के आप लोग लिख के आएंगे। ये सर सक्सेस की कुंजी है, अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे लॉ के तो डेफिनेटली सर आप लोग जो है बड़े अच्छे नंबर स्कोर करके आ पाएंगे, राइट। थ्योरी के ऊपर है, हैंडराइटिंग थोड़ी साफ रखने की कोशिश करिएगा, अगर सर हैंडराइटिंग बिल्कुल सर शक्ल की तरह होती है, अगर भगवान ने दे दी बस सर सिर्फ मेकअप किया जा सकता है, उसके बाद और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मेकअप करने का तरीका यही है कि थोड़ा खुला खुला लिखिए, आराम से सर आप लोगों ने एग्जामिनेशन फीस दिए तो कोई भी घबराने की
की बातचीत जो है वो नहीं है, राइट। अच्छा जी, बात करते सर अगर डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आ जाए, वैसे लॉ में कम आते हैं लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो कोई बात नहीं सर। अगर वो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा सर आईसीए ने टेबुलर फॉर्म में दिया था, पैराग्राफ फॉर्म में दिया था। तो अगर सर आईसीए ने टेबुलर फॉर्म में दिया था तो हम भी टेबुलर फॉर्म में जो है आंसर लिख के आएंगे, अगर सर आईसीए ने जो है पैराग्राफ फॉर्म में दिया तो हम भी पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आएंगे। अगर सर पहली बार ऐसा क्वेश्चन आए जो ना जो कभी आपने देखा ही नहीं, यानी आपको पता नहीं कि टेबुलर है या फिर पैराग्राफ है, तो सर आई विल प्रेफर कि आप टेबुलर फॉर्म में लिख के आए, साफ सुथरा काम करके आइएगा बस। नाउ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं सर, प्रेजेंटेशन में एक रूल हमेशा याद रखिएगा, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज। ऐसा ना हो कि सर ये आपका पेज है, यहाँ पे सर आपका एक आंसर खत्म हुआ, आपने यहीं से अगला आंसर शुरू कर दिया, हो सकता है सर अनचेक्ड रह जाए और फिर सर आप लोग स्यापा मचाओगे बाद में, हमारा पेपर गलत चेक होता, ये वो फलाना डिमाका अमेंड करो 39-4। लेकिन सर ये आपकी गलती होगी, आप इस आंसर को सर नेक्स्ट पेज पर जरा लिख के आए तो सर सही रहेगा। फ्रेश आंसर फ्रेश पेज की पॉलिसी जरूर 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 अपनाएं। अपना सर क्वेश्चन नंबर लेफ्ट में टॉप कॉर्नर पर लिख सकते हैं आप कि कौन सा आंसर आप लोग करने जा रहे हैं, कौन से आंसर का आप लोग जो है आंसर, कौन से क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर देने जा रहे हैं, राइट। पेपर में सर कोई प्रोसीजर मिस्टेक ना करें, चॉइस वाले क्वेश्चन को सर आप जैसे निकाल, ऐसा ना करें कि सारे सारे आंसर्स लिख के आ जाएं, आप वही आंसर्स करें सर जितने आंसर्स आपसे आईसीए ने मांगे हैं, राइट। एंड नीडलेस टू से सर जो हमारा मेरे पास सर एक रामबाण आपके लिए हमेशा रहता है, वही है कि भैया 100% पेपर जो आप लोगों ने करके आना, 100% पेपर करेंगे तो पास होने के चांसेस रहेंगे ज्यादा। खासकर थ्योरी पेपर में आपको बता दूंगा सर 100% पेपर कैसे करना है। सबसे पहले आप वो करेंगे जो आपको बहुत चित्र आता है उसको लपेटें सर, लॉक मारो उसको शुरू शुरू में, और जो नहीं आता उसको बाहर में ले जाए, उसको बिल्कुल बाद में ले जाए, एंड में ले जाए, एकदम एंड में, जब एग्जामिनर का चेक करने का मूड नहीं होगा, आपका भी आंसर लिखने का मूड नहीं होगा, दोनों मिलकर सर कुछ ना कुछ मार्क्स तो ले ही आओगे, राइट। सो बिल्कुल एंड में ले जाएं और लिख के आए, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे गप्पे मार के आए। अगर सर आपसे फॉर एग्जांपल सर कंपनीज एक्ट के डिपॉजिट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया और आपको बिल्कुल नहीं आता, एंड में ले जाओ सर, डिपॉजिट के मामले में जो भी आपका जो बेसिक नॉलेज आपको जो बोलती है ना, आप वो लिख के आ जाओ, देखा जाएगा जो होगा, समथिंग इज समथिंग वॉज समथिंग विल ऑलवेज बी बेटर देन नथिंग, राइट। एंड गाइज यस, आपको सर अकाउंट्स के ऊपर देने के बाद समझ तो आई होगी भैया स्पीड मेंटेन करनी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर सर स्पीड शुरू से मेंटेन नहीं करेंगे तो सर आपको हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान। तो गाइज ये मेरी सर 8 पॉइंट्स है जो मैं आपको देना चाहता था, जिससे सर आपको सक्सेस मिलेगी आपके लॉ के एग्जाम में। ऐसी सर अगली बार मिलूंगा मैं कॉस्टिंग के एग्जाम के बाद, और उसके बाद मिलूंगा सर आपको टैक्स के एग्जाम के बाद, और उसके बाद सर हम लोग मिलेंगे ऑडिट की क्लास में जो हम शुरू करने वाले हैं मई 2020 के लिए, राइट। चलिए सर, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।